हाय स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई फाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर सेकंड को शुरू किया था, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो पिछली वीडियो के अंदर हमने केवल पढ़ा था भाई वहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट, और पढ़ा था हमने ऑर्डर पेयर के बारे में। ठीक है, ऑर्डर पेयर क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो से हमारा रिलेशन शुरू हो जाएगा, तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज रिलेशन, और उसके बाद हमारा आएगा फंक्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रिलेशन क्या होगा। देखिए, ये चीज मैं आपको पहले भी क्लियर करा चुका हूँ, आपको डेफिनेशन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि रिलेशन होता क्या है। ठीक है ना, डेफिनेशन कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। तो चलिए समझ लेते हैं रिलेशन क्या होता है भाई। यहाँ पर पहले स्टेटमेंट जो डेफिनेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा होता क्या है एक्चुअल में। तो यहाँ पर बोला है लेट ए बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट मतलब एम्प्टी सेट नहीं होंगे, कोई ना कोई एलिमेंट उसके अंदर जरूर होगा, खाली नहीं होगा। ठीक है ना, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज गॉट ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। कह रहा है कि भाई कोई भी आपके पास दो सेट है ए और बी, उन दोनों का आप क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद ठीक है कोई भी एक ऐसा सेट है जो ए क्रॉस बी का सबसेट है। ए क्रॉस बी का सबसेट है मतलब उस सेट के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहे हैं, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। ठीक है, यानी कि वो जो सेट है कोई भी एक ऐसा सेट जो ए क्रॉस बी का क्या हो, सबसेट हो, उस सेट के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में बिलोंग करे, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, रिलेशन। तो यही बोला था यहां पर इस स्टेटमेंट के अंदर, तो ये बात मैंने यहां पर लिख भी दी है। रिलेशन में पहला अल्फाबेट आर आ रहा है, इसलिए हम रिलेशन को किस चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और क्या बोला गया था भाई, रिलेशन जो होगा वो सबसेट होगा, ये सबसेट का साइन है ना, किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का, मतलब ए और बी दो सेट थे उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का आर जो है वो सबसेट है। इसका मतलब आर के सारे एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे, ए क्रॉस बी में बिलोंग करेंगे। ठीक है, अगर आपको अब भी क्लियर नहीं हुआ तो एग्जाम्पल से 101% क्लियर हो जाएगा। आप एग्जाम्पल समझे, ए सेट मैंने कोई भी लेट कर लिया है, बी सेट लेट कर लिया है, ठीक है, और आर रिलेशन के लिए आपको एक डेफिनेशन दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको रिलेशन लिखना होगा। तो ये एक डेफिनेशन दी हुई है, बोला है ऑर्डर पेयर कैसे बनाना है, एक्स वाई मतलब पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू कहां से लेनी है, ए सेट से, लिखा हुआ है ना, एक्स इज बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग्स टू का साइन है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू आपको, एक्स की वैल्यू किस में बिलोंग करेगी, ए के अंदर बिलोंग करेगी, मतलब एक्स की वैल्यू आपको ए सेट से लेनी है। और वाई इज बिलोंग्स टू बी, मतलब पिछले वाला एलिमेंट किस में होगा, बी सेट में बिलोंग करेगा, यानी कि वाई आपका किस में बिलोंग करेगा, बी सेट के अंदर। वाई की वैल्यू आपको कहां से लेनी है, बी सेट से लेनी है, और ये है आपकी मेन कंडीशन जिसके अकॉर्डिंग हमें रिलेशन लिखना है। तो इसमें बोला है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स जो है वो वाई से बड़ा होना चाहिए। एक्स कहां लिखा है, पहले, वाई कहां लिखा है, बाद में, मतलब पहले वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से अगर ग्रेटर होगा तो वो आर सेट के अंदर बिलोंग करेगा, रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने बोला था, सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालना हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। आप में से जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, तो पहले फर्स्ट वीडियो देख ले, ठीक है, तभी क्लियर हो पाएगा। तो ए बी का हम क्या निकालने जा रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस। ठीक है, तो कैसे निकालते थे भाई, पहले क्या लिखा है, ए सेट, तो ए सेट के फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ लीजिए और बी सेट के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना दीजिए। तो हमने यहां से पकड़ा 4 को, 4 का 2 के साथ पहला ऑर्डर पेयर, 4 का 8 के साथ, 4 का हो गया दोनों के साथ, अब 5 का 2 के साथ, 5 का 8 के साथ, 5 का भी दोनों के साथ हो गया। नेक्स्ट 6 को पकड़ लो, 6 2 और 6 8, फिर 7 2 और 7 8। ठीक है, एक एलिमेंट को पकड़ो, इसके सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाओ, नेक्स्ट को पकड़ो, इसके सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाओ, तो ऐसे आपका क्या हो जाता है, एक रोस आ जाता है, एक रोस बी आ गया। ठीक है, अब यहां पर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम, इसने बोला है भाई एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर ऐसे बनाना है, तो ऑर्डर पेयर सारे ऐसे बने हैं हमारे। ठीक है ना, पहले हमने एक्स मतलब ए की वैल्यू लिखी है, ए सेट से लिखी है, और वाई मतलब बी सेट से लिखा है दूसरा एलिमेंट। ठीक है, अब आप जो इन ऑर्डर पेयर में से जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आर सेट के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या बोला गया है कि एक्स जो है वो वाई से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब पहला नंबर दूसरे से बड़ा होना चाहिए, तो इसमें बिल्कुल बड़ा है, 4 2 से ग्रेटर है, आएगा रिलेशन में, इसमें नहीं है, ये नहीं आएगा, 5 2 से ग्रेटर है, बिल्कुल आएगा रिलेशन में,
58 से नहीं है बढ़ाना, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये नहीं आएगा। 62 से बढ़ाए बिल्कुल आएगा, 68 से छोटा है नहीं आएगा, 72 से बढ़ाए बिल्कुल आएगा, और 78 से क्या है छोटा है तो ये नहीं आएगा। मतलब जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होगा वही ऑर्डर पेयर आपका आर सेट के अंदर बिलोंग करेगा। अब देखिए इस चीज को हम चेक करते हैं, आर सेट में आपके पास ये कुछ ऑर्डर पेयर आए हैं, ये सारे के सारे आपके किस में मैच कर रहे हैं, ए क्रॉस बी में मैच कर रहे हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी से तो लिखे जाते हैं। तो बताइए इस बात को मैं बोल सकता हूं या नहीं, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में आ रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं आर जो है हमारा ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो यही बात लिखी थी, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रिलेशन किससे लिखा जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से लिखा जाता है। मतलब कोई भी दो सेट का जो प्रोडक्ट है उसमें किसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ एलिमेंट सिलेक्ट करके लिख दिए जाते हैं, तो वो जो सेट बनता है वो ही क्या होता है, हमारा रिलेशन होता है, ठीक है। तो समझ में आना जरूरी है, डेफिनेशन याद करनी जरूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो रिलेशन तो हमने लिख दिया, अब इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, इसकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। तो मैं आपको बता देता हूं, हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, आपका डोमेन होती है, और सेकेंड जो होता है वो क्या होता है, रेंज होती है भाई, ठीक है। तो इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट क्या है, 4, फिर इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट क्या है, 5, इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट क्या है, 6, इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट क्या है, 7। तो ये तो आपके हो गई डोमेन, रिपीट करके नहीं लिखना है, ठीक है। और रेंज में लास्ट यहाँ पर भी 2 है, 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 तो बार बार 2 नहीं लिखेंगे, केवल एक बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है। तो रेंज केवल क्या हुई, 2, और डोमेन क्या हो गई, 4, 5, 6, 7, ठीक है। उसके बाद एक कोडोमेन भी पूछ लिया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, कोडोमेन जो होता है ना आपका सेकंड सेट होता है। सेकंड सेट मतलब जैसे ए क्रॉस बी निकाला है हमने, तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, बी, तो बी सेट ही आपका क्या होगा, कोडोमेन होगा भाई, ठीक है। तो जो सेकंड सेट होता है वही आपका क्या होता है, कोडोमेन। तो सेकंड सेट क्या है, यहाँ पर ए क्रॉस बी में पिछला कौन सा है, बी, तो बी सेट ही आपका क्या हो जाएगा, कोडोमेन, ठीक है। तीनों चीजें क्लियर हो गई होगी, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। डोमेन हर ऑर्डर पेयर का रिलेशन के अंदर, हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, डोमेन, और सेकंड एलिमेंट आपका क्या होगा, रेंज। कोडोमेन क्या होगी, प्रोडक्ट जो आपने निकाला उसका सेकंड सेट आपका क्या होगा, कोडोमेन होगी, ठीक है। तीनों बातें क्लियर है। उसके बाद हम चल रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पर, रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए रिलेशन का मतलब बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, रिलेशन का मतलब है संबंध, मतलब किसी भी एक सेट का दूसरे सेट के साथ किस टाइप का संबंध है, किस टाइप का रिलेशन है, ठीक है ना, यही है बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पर। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट टाइप आ जाती है हमारी आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी से क्या समझ रहे हैं आप, मतलब आइडेंटिटी का एक मीनिंग तो हो जाता है, जैसे आइडेंटिटी वैल्यू है ना, आइडेंटिटी वैल्यू मतलब 1, 1, ठीक है। और आइडेंटिटी का मतलब सेम भी हो जाता है, मतलब सेम एलिमेंट। तो नाम से पता लग रहा है आइडेंटिटी रिलेशन मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो, हर एलिमेंट क्या हो, अपने आप से रिलेटेड हो। थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा, ध्यान से देना भाई थोड़ा। आइडेंटिटी रिलेशन क्या हुआ, चलिए पढ़ लेते हैं पहले। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। आर कोई भी एक रिलेशन है जो सेट ए से बना है, आइडेंटिटी रिलेशन होगा ऑन ए इफ आर इज इक्वल्स टू ए ए और ए इज बिलोंग्स टू ए। यहां से आपको बात क्लियर करनी है, ए ए मतलब डोमेन और रेंज दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों क्या होने चाहिए, सेम, और दोनों के दोनों एक सिंगल सेट के अंदर बिलोंग करने चाहिए। मतलब आप यहां पर अगर ये बात बोल देते हैं कि आर जो है वो रिलेशन कैसा है, ए क्रॉस ए है, मतलब उस अपने आपके साथ रिलेटेड है, ये ए का ए के साथ क्रॉस कराया गया है, ठीक है। यानी कि आपकी जो डोमेन और रेंज है वो दोनों सेम होगी और दोनों एक ही सेट के अंदर बिलोंग करेगी। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा डोमेन आपकी ए सेट में बिलोंग कर रही थी और रेंज किस में बिलोंग कर रही है, देखिए 2 आपका किस में बिलोंग कर रहा है, सेट बी में, और डोमेन सारी की सारी किस में बिलोंग कर रही है, ए में। तो ये डिफरेंट सेट के अंदर बिलोंग करनी है, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब आपकी डोमेन और रेंज दोनों एक ही सेट के अंदर बिलोंग करेगी, ठीक है। थोड़ा सा मोटा सा बता देता हूँ, आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन होगा जिसमें डोमेन और रेंज सेम हो और दोनों एक ही सेट से रिलेटेड हो, मतलब एक ही सेट में से ली गई हो, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, ए सेट है आपका 1, 2, 4 और रिलेशन है लिखा हमने 1, 1, 2, 2, 4, 4। तो आपको दिखाई दे रहा होगा डोमेन और रेंज सेम है सभी ऑर्डर पेयर में, है ना, सेम, इसमें भी 1, 1, 2, 2, 4, 4। तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा, और इसमें जो डोमेन है और रेंज है, मतलब इसमें आपकी डोमेन 1, 2, 4 हो गई और रेंज क्या हो गई 1, 2, 4 हो गई,
तो वो सभी की सभी ए ही सेट के अंदर बिलोंग कर रही है। देखिए डोमेन भी बिलोंग कर रही है और रेंज भी बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो ये कैसा रिलेशन हुआ, आइडेंटिटी रिलेशन हुआ, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इफ आर इक्वल्स टू ए क्रॉस ए। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था थोड़ा कंफ्यूजन होगा, यहाँ पर भी ए क्रॉस ए था लेकिन सेम एलिमेंट होने चाहिए, इसमें क्या होने चाहिए सेम एलिमेंट, और इसमें सेम सेट ही होने चाहिए। इसमें सेम सेट होने के साथ साथ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, हर ऑर्डर पेयर के एलिमेंट क्या होने चाहिए सेम, डोमेन और रेंज क्या होनी चाहिए सेम। जबकि यूनिवर्सल रिलेशन के अंदर दोनों सेट सेम होने चाहिए, मतलब ए का ए के साथ ही रिलेशन होना चाहिए, एलिमेंट चाहे डिफरेंट हो। आपको डिफरेंट दिखाई दे रहे होंगे, ए सेट आपका 2 3, तो आपको इसमें 2 2 के अलावा 2 3 भी तो नजर आ रहा है और 3 2 भी नजर आ रहा है, यहाँ पर 3 3, चलो तो ये तो सेम सेम हो गए लेकिन ये डिफरेंट भी तो है, तो इसमें डिफरेंट बिलोंग नहीं करेंगे। तो आइडेंटिटी रिलेशन में डोमेन और रेंज सभी ऑर्डर पेयर के अंदर क्या होगी सेम होगी, जबकि यूनिवर्सल रिलेशन में डोमेन और रेंज डिफरेंट भी हो सकती है। दोनों में क्या फर्क हुआ, इसमें डोमेन रेंज हमेशा क्या होगी हर ऑर्डर पेयर में सेम, और इसमें डोमेन रेंज इक्वल के साथ साथ डिफरेंट भी हो सकती है। क्लियर है दोनों में डिफरेंस, पर समझ में आ गया भाई। उसके बाद है वॉइड रिलेशन, बिल्कुल वॉइड आपका वही चीज है जो आपने सेट में पढ़ा था, वॉइड सेट एम्प्टी सेट और नल सेट, तो सेम है यहाँ पर। आप बोल सकते हैं वॉइड रिलेशन एम्प्टी रिलेशन और नल रिलेशन, ठीक है, तीनों बोल सकते हैं यहाँ पर। और मतलब क्या है, एम्प्टी का मतलब क्या होता था खाली, वॉइड का मतलब क्या होता था खाली, मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे वॉइड रिलेशन। तो ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन इफ आर इक्वल्स टू फाई, फाई का मतलब क्या होता है नल सेट खाली सेट, मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट बिलोंग ना करे, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोला जाता है नल सेट या फिर फाई सेट बोला जाता है, ठीक है भाई। फोर्थ पार्ट देख रहे हैं, मतलब फोर्थ टाइप, फर्स्ट हो गया आइडेंटिटी, सेकंड हो गया यूनिवर्सल और थर्ड हो गया है वॉइड रिलेशन। आपको एक चीज और बता देता हूँ, अगर आपने यहाँ से रिलेशन को क्लियर कर लिया अच्छे से तो ट्वेल्थ में भी आपका फर्स्ट चैप्टर ही रिलेशन का है, वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर यहीं से इलेवेंथ में क्लियर हो गया तो फर्स्ट का ट्वेल्थ का आपका फर्स्ट चैप्टर तैयार हो गया समझ लीजिए, ठीक है भाई। तो फोर्थ पार्ट देख रहे हैं, फोर्थ पार्ट क्या है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है कि इफ आर, सॉरी गलत बोल गया, इनवर्स रिलेशन, क्या है इनवर्स रिलेशन। इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, कह रहे भाई आर एक ऐसा रिलेशन है जो सेट ए से सेट बी है, सेट ए से सेट बी का मतलब डोमेन ए से ली जाएगी और रेंज कहाँ से ली जाएगी बी से। देन द रिलेशन आर इनवर्स, तो किसी भी रिलेशन का इनवर्स कैसे लिखा जाता है रेज टू पावर माइनस वन करके, ध्यान देना भाई, रेज टू पावर माइनस वन लिखा है मतलब उस सेट का इनवर्स है, उसका क्या है इनवर्स। तो यहाँ पर आर का इनवर्स कैसे लिखा जाएगा, आर रेज टू पावर माइनस वन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। देखिए ए आर जो था वो था ए टू बी और R इनवर्स क्या हो गया B टू A, यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए आपको। R जो है वो A टू B था और R इनवर्स क्या हो गया B टू A, आप समझ गए होंगे। मतलब यहाँ पर डोमेन और रेंज को क्या कर दिया गया है, इंटरचेंज कर दिया गया है, बदल दिया गया है। यहाँ डोमेन A से ली गई है, रेंज B से, जबकि यहाँ पर डोमेन B से और रेंज A से, उल्टा नहीं हो गया, इज डिफाइंड एज द इनवर्स रिलेशन। चलिए एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं, यहाँ से नहीं हुआ तो आर रिलेशन आपको दिया हुआ है 1 2 2 3 और 3 4 और इसका हमें निकालना है इनवर्स। तो इनवर्स अभी हमने यहाँ से समझा कि डोमेन को किस में बदल दो, रेंज में बदल दो। तो 1 2 क्या बन जाएगा 2 1 2 3 क्या बन जाएगा 3 2 3 4 क्या बन जाएगा 4 3। तो ये आपका क्या बन गया इनवर्स रिलेशन बन गया है, ठीक है। तो किसी भी रिलेशन का इनवर्स निकालने के लिए डोमेन और रेंज को इंटरचेंज कर देंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा, चार टाइप हो गई है हमारी, तीन टाइप अब भी बची हुई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो नेक्स्ट 3 टाइप होगी हमारी भाई, 4 टाइप पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। 5th टाइप होगी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए सोच के देखिए, रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा है, रिफ्रेक्शन रिफ्लेक्शन पढ़ा है ना, इस टाइप से फिजिक्स वगैरह के अंदर, फिजिक्स के अंदर पढ़ाया है, ठीक है ना, 10th क्लास में। तो उसमें तुमने देखा है भाई रिफ्लेक्ट मतलब रिफ्लेक्ट होकर के, रे रिफ्लेक्ट होकर के क्या बनाती है, कि इमेज बनाती है। और कोई भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो अपने ऑब्जेक्ट के जैसी होती है, समझ रहे हो आप कुछ,
कि जो इमेज होती है वो ऑब्जेक्ट के जैसी होती है, थोड़ा रिलेट करा रहा हूँ याद रखने के लिए, ठीक है ना। तो जो भी इमेज क्रिएट होती है, जैसे आईने में हम अपना चेहरा देखते हैं तो कैसा दिखेगा, हमारे जैसा ही दिखेगा, कोई ये थोड़ी ना कि मैं देखूं और आप दिख जाओ, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो ऐसा है कि इसमें कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसके जैसी इमेज होती है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वगैरह पढ़ाया अपने 10th क्लास में ना, तो यहां से आप थोड़ा रिलेट करके समझ सकते हैं, मतलब हर ऑब्जेक्ट की इमेज उसके जैसी होती है। तो ऐसा यहां पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा तुम्हारा, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए इज रिलेटेड टू ए, मतलब ए जो है वो ए से रिलेटेड होना चाहिए, फॉर ऑल ए इज बिलोंग्स टू ए। अगर आपको देखिए यहाँ पर इससे कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब समझ में आएगा कि जो रिलेशन है वो आपका ए क्रॉस ए भी हो सकता है और ए क्रॉस बी भी हो सकता है, मतलब सेम सेट का रिलेशन भी हो सकता है और डिफरेंट सेट का भी रिलेशन हो सकता है, लेकिन कंपलसरी चीज क्या है कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि ये ए सेट है हमारे पास भाई, एग्जाम्पल से क्लियर होगा, ध्यान देना, ए सेट है हमारे पास ये, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, तो इसके प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना कंपलसरी है, ठीक है। तो 1 आ रहा है तो 1 अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, बिल्कुल है भाई। 2 आ रहा है, 2 अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, बिल्कुल है। 3 आ रहा है, 3 अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, बिल्कुल है। डिफरेंट भी है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन इसमें जितने भी एलिमेंट है ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना कंपलसरी है, ठीक है। अब आप हो गए कंफ्यूज, इसलिए मैं पहले ही बोल रहा था, चलिए आपका कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। एक हमने पढ़ा फर्स्ट टाइप आइडेंटिटी रिलेशन, फर्स्ट टाइप पढ़ी थी आइडेंटिटी रिलेशन, उसमें भी मैंने कुछ ऐसा ही बोला सेम सेम होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा यूनिवर्सल, उसमें भी मैंने बोला, और रिफ्लेक्सिव में भी यही बोल रहा हूँ सेम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों में क्या डिफरेंस है ये क्लियर करेंगे अब हम। आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर सेम सेट का क्रॉस होना चाहिए, मतलब डोमेन और रेंज दोनों एक ही सेट में बिलोंग करनी चाहिए, और यूनिवर्सल रिलेशन में भी यही है। फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस भाई, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसके अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे सभी अपने आप से रिलेटेड होंगे, 1 1 से रिलेटेड, 2 2 से, 3 3 से, जितने भी होंगे सारे के सारे अपने आप से रिलेटेड होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कैसा है भाई, डिफरेंट भी हो सकते हैं लेकिन अपने आप से रिलेटेड कंपलसरी है। अपने आप से रिलेटेड क्या है, कंपलसरी, 1 1 से रिलेटेड, 2 2 से रिलेटेड, लेकिन डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसमें सभी सेम होंगे, इसमें डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ कि ये सेट होगा ए क्रॉस ए, ये आपका ए क्रॉस ए के साथ साथ ए क्रॉस बी भी हो सकता है। तो ये ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, इसमें सेम सेम होने चाहिए, इसमें सेम सेम के साथ डिफरेंट भी चलेंगे। लेकिन इसमें फिर इसमें क्या फर्क हुआ इन दोनों में, इन दोनों में ये फर्क हुआ कि ये ए क्रॉस ए के साथ साथ ए क्रॉस बी भी हो सकता है। तो आपको मैच होता नजर आ रहा होगा, यूनिवर्सल और रिफ्लेक्सिव लगभग एक जैसे हैं, लेकिन इसमें ए क्रॉस ए होना चाहिए, इसमें ए क्रॉस ए के अलावा ए क्रॉस बी भी चल जाएगा, ठीक है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये दो टाइप हम पहले पढ़ चुके हैं ना। तो सिक्स्थ टाइप आती है आपकी सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि इन तीनों पर ही बेस आपका 12th का सिलेबस है। 12th में जो रिलेशन आप पढ़ोगे वो पूरा रिलेशन इन तीनों पर ही बेस है। इससे पहले जो आपने पढ़ा वो 12th में काम नहीं आएगा, वो केवल 11th तक है, लेकिन ये तीनों टाइपें आपकी 12th में पूछी जाएंगी। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सिमेट्रिक इफ ए इज रिलेटेड टू ए बी, A इज रिलेटेड टू B और B इज रिलेटेड टू A। समझ में आ रहा होगा कुछ, A B से रिलेटेड है तो उसका उल्टा होना चाहिए, B A से रिलेटेड होना चाहिए। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, देखो यहाँ पर है आपका 1 2, तो इसका उल्टा 2 1 बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर है 2 3, तो इसका उल्टा 3 2 बिल्कुल आ रहा है। मतलब अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है तो इसका रिवर्स भी बिलोंग करना चाहिए, इसमें 2 3 बिलोंग कर रहा है तो इसका रिवर्स भी बिलोंग करना चाहिए। मतलब हर ऑर्डर पेयर का उल्टा बिलोंग करना चाहिए, तब हम इसको क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 1 2 का उल्टा 2 1 हुआ ना, ऐसे 2 3 बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा 3 2 हुआ, बिल्कुल बिलोंग कर रहे हैं। मतलब ऐसा कोई ऑर्डर पेयर ना हो जिसका उल्टा ना हो, ठीक है ना, जिसका इनवर्स ना हो, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए बी बिलोंग करना चाहिए।
ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा, तीन ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज ट्रांजिटिव इफ ए इज रिलेटेड टू बी, ए जो है वो बी से रिलेटेड है और बी किससे रिलेटेड है, सी से। ठीक है, ये बोला है कि ए यदि बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। इन दोनों में देखिए आप बी सेम नहीं है, बी सेम है तो कौन इधर से बचा ए और इधर से क्या बचा सी, तो ए सी का भी रिलेशन होना कंपलसरी है। ठीक है, तीन दोस्त जा रहे हैं भाई, तीन दोस्त हैं। ठीक है, ये इसको जानता है और ये इसको जानता है तो ये भी इसको जानना चाहिए, मतलब इन दोनों की भी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ है। चलिए चेक करते हैं, तो वन टू बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, बिल्कुल कर रहा है। टू थ्री बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो इन दोनों में सेम हुआ आपका टू, तो बचा क्या वन थ्री, वन थ्री भी आ रहा है ये देखो। ठीक है ना, तो इसकी वजह से तो ट्रांजिटिव हुआ। चलिए और चेक करते हैं, किसी भी एक को पकड़ लीजिए आप, ये पकड़ लेते हैं। चलो ये पकड़ लिया मैंने, वन थ्री है और थ्री का देखो, थ्री इन दोनों में मतलब कॉमन होना चाहिए। देखो इसमें भी वन है, इसमें भी वन है, एक एलिमेंट सेम होना कंपल्सरी है भाई। तो इसमें वन थ्री है, इसमें वन फोर है, तो वन वन तो हो गया सेम, बचा क्या थ्री फोर, तो थ्री फोर ये रहा आपका। ठीक है, तो ऐसे आप समझ गए होंगे कि वन टू बिलोंग कर रहा है, टू थ्री बिलोंग कर रहा है, तो दोनों में सेम हो गया, टू बचा वन थ्री, तो वन थ्री भी बिलोंग करना चाहिए। ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका रिलेशन का बेसिक कंप्लीट हो गया है। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्या बोल रहा है, ए सेट आपको गिवन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, बोल रहा है डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, मतलब जो रिलेशन है आपका ए टू ए है, ए टू ए का मतलब डोमेन भी किससे लेनी है ए से और रेंज भी किसमें देखनी है ए में। ठीक है, और रिलेशन के लिए डेफिनेशन ये दे दी है, ये आपका किस फॉर्म में गिवन है, सेट ग्रेटर फॉर्म में है ना, डेफिनेशन की फॉर्म में दे रखा है। करना क्या है, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो सबसे पहले तो हमें रिलेशन लिखना पड़ेगा और रिलेशन लिखने के बाद उसकी डोमेन और रेंज भी डिफाइन करनी है। चलिए करते हैं सोल्व। तो सबसे पहले तो आप अपना रिलेशन लिख लें कि किस टाइप का है, तो आर जो है वो है आपका ए क्रॉस ए। ठीक है, बोला इसने ए टू ए, और ए सेट आपको क्या गिवन है भाई, ए सेट आपको गिवन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये आपका ए सेट है। उसके बाद हमें आर रिलेशन क्या गिवन है, आर रिलेशन हमें गिवन है ऑर्डर पेयर बनाना है आपको एक्स वाई, ऐसे पहले एक्स की वाई फिर सॉरी एक्स की वैल्यू और फिर वाई की वैल्यू, और डेफिनेशन क्या दे रखी है वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। ठीक है, मतलब इससे आपको एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं। तो आपको पता है डोमेन किससे रखनी है ए से, मतलब एक्स जो है वो आपका कहां पर बिलोंग कर रहा है ए में, और वाई भी किसमें बिलोंग कर रहा है ए में। देखिए यहाँ पर ऑर्डर पेयर बनाया है, ये ऑर्डर पेयर डिफाइन कर रखा है, ये ऑर्डर पेयर कैसे लिखना है एक्स वाई, और एक्स जो है वो किसमें बिलोंग करेगा ए में। आपको अच्छे से पता है हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ फर्स्ट सेट में बिलोंग करता है और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट में बिलोंग करता है, तो ये तो दोनों ए ही है, एक्स भी ए में बिलोंग कर रहा है और वाई भी ए में बिलोंग कर रहा है, वाई बी में। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए निकालते हैं, तो एक्स की वैल्यू लेते हैं हम यहाँ से ए से, ए से फर्स्ट वैल्यू क्या है वन, तो एक्स इक्वल टू पुट करते हैं हम वन इसमें इस रिलेशन में, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एक्स को वन से रिप्लेस कर देंगे, वन प्लस वन कितना हो गया टू, क्या टू आपका ए में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है भाई, कर रहे हैं बिलोंग। इसमें चेक करना है वाई भी आपका किसमें बिलोंग करना चाहिए ए में, तो ये वाई की वैल्यू आई है टू, ये ए में बिलोंग कर रही है, बिल्कुल कर रही है, तो ऑर्डर पेयर बन गया क्या बन गया वन टू, एक ऑर्डर पेयर बन गया। ठीक है, उसके बाद चलिए पुट करते हैं नेक्स्ट आपका एक्स इक्वल्स टू टू, तो एक्स की जगह क्या रख देंगे, एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे टू से, तो टू प्लस वन, टू प्लस वन कितना हो गया थ्री, चेक करिए बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है ए में बिलोंग। ठीक है, वाई की वैल्यू ए में बिलोंग करनी चाहिए ना, क्योंकि ए टू ए है रिलेशन आपका ना, तो ये बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो ऑर्डर पेयर बन गया। क्या बना ऑर्डर पेयर भाई, एक्स की वैल्यू रखी थी टू और वाई की कितनी मिली थ्री, ये ऑर्डर पेयर बना। नेक्स्ट रखते हैं एक्स इक्वल टू थ्री, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा थ्री प्लस वन, थ्री प्लस वन कितना हो गया फोर, बिलोंग कर रहा है ये, बिल्कुल कर रहा है, तो ऑर्डर पेयर क्या बना थ्री फोर। ठीक है, एक्स की वैल्यू थ्री रखी थी, वाई की फोर आई। नेक्स्ट रिप्लेस करते हैं, नेक्स्ट रखते हैं वाई एक्स इक्वल टू फोर, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर प्लस वन, फोर प्लस वन कितना हो गया फाइव, फाइव इज बिलोंग्स टू ए, फाइव जो है आपका किसमें बिलोंग करेगा ए में, बिलोंग कर रहा है बिल्कुल कर रहा है, तो ऑर्डर पेयर क्या बना फोर फाइव। ठीक है ना, नेक्स्ट रखते हैं एक्स इक्वल टू फाइव, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइव प्लस वन कितना हो गया भाई सिक्स। ठीक है, इसमें रख रहे हैं एक्स की वैल्यू,
तो सिक्स सिक्स इसमें बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है भाई, ठीक है, तो बिलोंग कर रहा है तो ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, फाइव सिक्स। नेक्स्ट रखेंगे एक्स की वैल्यू कितनी, सिक्स सिक्स है ना नेक्स्ट, इसमें से वन बाई वन रखते जा रहे हैं, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिक्स प्लस वन कितना हो गया सेवन। क्या सेवन इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, सेवन इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, सेवन इज डज नॉट बिलोंग टू ए, तो ये ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। वैल्यू सभी रख लिए, अब आप मुझे ये मत कहना कि सर एक्स की वैल्यू सेवन क्यों नहीं रखी, क्योंकि सेट में सेवन है नहीं, एक्स की वैल्यू हम ए सेट से ही तो रख रहे हैं, और वाई की भी किसमें चेक कर रहे हैं, ए में, क्योंकि रिलेशन आपका ए टू ए है, डोमेन भी ए से रखनी है और रेंज भी ए में चेक करनी है, ठीक है। तो ये आपके ऑर्डर पेयर बन गए हैं, इनको लिख देते हैं, तो आर रिलेशन क्या बन गया हमारा, ये ऑर्डर पेयर लिख देते हैं भाई, वन टू, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा टू थ्री, नेक्स्ट क्या हो जाएगा थ्री फोर, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा फोर फाइव, ठीक है, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा फाइव सिक्स, ये हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछा गया था डोमेन, तो डोमेन क्या होती है, हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, डोमेन क्या होती है, रिलेशन में हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट वन, इसका फर्स्ट एलिमेंट टू, इसका फर्स्ट एलिमेंट थ्री, इसका फर्स्ट एलिमेंट फोर, इसका फर्स्ट एलिमेंट फाइव, ये बन गए डोमेन। और रेंज क्या बन जाएगी भाई, हर ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट, तो सेकेंड एलिमेंट इसमें टू, नेक्स्ट में थ्री, नेक्स्ट में फोर, नेक्स्ट में फाइव, नेक्स्ट में सिक्स, ये क्या बन गई आपकी रेंज बन गई है, ठीक है। अगर को डोमेन पूछी जाती तो इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ, पूछा नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, पूछा नहीं है, लेकिन बता देता हूँ को डोमेन क्या होगी यहाँ पर, को डोमेन आपको अच्छे से पता है कि जो सेकंड सेट होता है, को डोमेन क्या होती है सेकंड सेट, तो ए क्रॉस ए था ना, तो सेकंड क्या है ए ही है आपका, तो ये क्या हो जाएगी आपकी को डोमेन हो जाएगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ, कुछ को डोमेन हो गई भाई, और इसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है इसका इनवर्स, इसी क्वेश्चन में काफी सारी चीजें बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, तो इसका इनवर्स, इनवर्स पूछा जा सकता है, तो कैसे निकालेंगे इनवर्स, पढ़ चुके हम इनवर्स रिलेशन, डोमेन को किस में बदल देंगे रेंज में, तो ये वन टू है क्या बन जाएगा टू वन बन जाएगा, टू थ्री है क्या बन जाएगा थ्री टू बन जाएगा, थ्री फोर है क्या बन जाएगा फोर थ्री बन जाएगा, फोर फाइव है क्या बन जाएगा फाइव फोर बन जाएगा, ठीक है, और फाइव सिक्स है क्या बन जाएगा सिक्स फाइव बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ये इनवर्स हो गया। और पूछा जा सकता है आपसे इसके अंदर कि इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें वेन डायग्राम, ठीक है, सॉरी एरो डायग्राम, वेन डायग्राम याद आ रहा है, सेट के अंदर था वेन डायग्राम, तो ठीक है, यहाँ पर एरो डायग्राम के लिए आपको बोला जा सकता है कि एरो डायग्राम ड्रॉ करें इसका, तो कैसे करते हैं एरो डायग्राम, ये आपका ए सेट और ये क्या हो जाएगा बी सेट, इस पर लिख देते हैं ए, इस पर लिख देते हैं बी, सॉरी बी तो है ही नहीं यहाँ पर, रिलेशन कैसा है ए क्रॉस ए है, तो ये भी ए ही रहेगा, ये भी ए रहेगा, अगर ये ए क्रॉस बी होता तो ये ए ये बी, ठीक है। अब ए में जो एलिमेंट है वो दिखा दीजिए, यहाँ पर ए में आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, यह भी ए ही है, इसमें भी सेम ही है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अगर ये ए क्रॉस बी होता तो ए ए होता और ये होता बी, और इसमें बी के एलिमेंट फिर करते हम, लेकिन रिलेशन हमारा ए टू ए है इसलिए हमने दोनों ए लिखा दिख दिए, ठीक है। अब इसमें देखें वन किससे रिलेटेड है टू से, इसका ये वन और इसके टू से रिलेटेड है भाई, ठीक है, टू किससे रिलेटेड है थ्री से, तो टू रिलेटेड है किससे थ्री से, थ्री किससे रिलेटेड है फोर से, तो थ्री फोर से, फोर किससे रिलेटेड है फाइव से, तो फोर फाइव से, और फाइव किससे रिलेटेड है सिक्स से, तो सिक्स से, ठीक है। ये क्या बन गया आपका एरो डायग्राम, अगर एरो डायग्राम के लिए बोला जाए तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है, तो काफी सारी बातें मैंने आपको इसी क्वेश्चन में क्लियर कराई, क्वेश्चन आपका यहीं पर कंप्लीट हो गया था, बस रिलेशन डोमेन और रेंज पूछी थी, ये तीन बातें हमने एक्स्ट्रा पढ़ ली है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर, ए सेट आपको दिया हुआ है वन टू थ्री और डॉट डॉट, मतलब कंटिन्यू है आपकी काउंटिंग यहाँ से वन से लेकर के ट्वेंटी फाइव तक, बीच में डॉट डॉट लगा दिया ना, आर इज द रिलेशन इज वन फोर, मेन चीज ये है इज वन फोर्थ, मतलब रिलेशन लिखते समय आपको इस डेफिनेशन का ध्यान रखना है, वन फोर्थ मतलब जो पहला नंबर है, जैसे कि आपका वन है पहला तो दूसरा क्या होगा फोर्थ, यानी कि इसका वन फोर्थ होगा फर्स्ट, ठीक है। इज वन फोर्थ इन ए, राइट आर एज ए सबसेट, आर को आपको सबसेट की फॉर्म में लिखना है या फिर कह सकते हैं टेबुलर फॉर्म में लिखना है ना,
टेबुलर फॉर्म में लिखना है, सबसेट की फॉर्म में लिखना है। सेट कैसे होगा, ए क्रॉस ए, डोमेन भी ए से और रेंज भी ए से, और साथ ही आपको डोमेन और रेंज भी डिफाइन करनी है। चलिए तो देखते हैं सॉल्यूशन, आपका जो रिलेशन है वो कैसा है भाई, ए क्रॉस ए है, ए टू ए है, और ए सेट आपको क्या गिवन है, ए सेट आपको गिवन है 1, 2, 3, 2, 2, 2, 25, बीच के नंबर भी शामिल है, ठीक है 1, 2, 25 काउंटिंग कंप्लीट है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो इसने बोला था 1/4, मतलब जो इसका है ये इसका क्या होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए, चौथा हिस्सा होना चाहिए भाई। तो उल्टा भी तो बोल सकते हैं हम, ये भी तो कह सकते हैं कि डोमेन का 4 times क्या होनी चाहिए, रेंज, डोमेन के 4 times क्या होनी चाहिए, रेंज होनी चाहिए, है ना, तो ये भी तो बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस कराएंगे तो बहुत ज्यादा एलिमेंट आ जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा हमारा, तो लंबा जब होता है तो क्रॉस नहीं करते हम, सीधा क्या निकाल लेते हैं, रिलेशन, ठीक है, तो सीधा रिलेशन निकाल लेते हैं भाई। यहाँ क्रॉस ए का ए से कराएंगे तो 25 एलिमेंट उसमें है, 25 दूसरे में, मतलब दोनों ए है ना, तो 25 × 25 कितना हो जाएगा, 625, 625 ऑर्डर पेयर बनेंगे, इतने लिखेंगे तो हमने तो कर लिया फिर क्वेश्चन पेपर सोल्व, ठीक है ना। तो जब ज्यादा ऑर्डर पेयर आ जाते हैं तो मतलब लिखा करो, सीधा सोल्व किया करो, तो सीधा करते हैं। चलिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, बस इसने बोला है कि सेकंड जो है उसका 1/4 फर्स्ट होना चाहिए, तो हम दोनों बातें भी तो बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 2 और ये लिखा मैंने 8, इसका 1/4 ये है, 1/4 का मतलब चौथा हिस्सा, 1/4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, ये आता है, समझे कुछ, तो आप उल्टा बोल लो ना, इसका 4 times ये, ऐसे कह लो, तो आपको लिखते समय बस ये याद रखना है कि यहाँ पर जो भी नंबर लिखोगे उसका 4 times के साथ रिलेशन करना है। तो पहले ही एलिमेंट से शुरू करा देते हैं 1, अब 1 हमारा किससे रिलेटेड होगा, आर का मतलब रिलेटेड रिलेशन, ठीक है, तो इसका 4 times क्या हो जाएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 तो 1 ऑर्डर पेयर ये बन गया, ठीक है। ऐसे ही आपका सीधा भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा रिलेशन लिख लेते हैं ऐसे, देखो ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट आपका है 1, इसका 4 times क्या होगा, 4 तो 1 ऑर्डर पेयर। सेकेंड एलिमेंट क्या है भाई, 2 का 4 times क्या होगा, 8, ठीक है। थर्ड एलिमेंट क्या है, 3, इसका 4 times 12, अगला क्या होगा नेक्स्ट एलिमेंट, 4 का 4 times 16, ठीक है, और नेक्स्ट क्या होगा, 5 का 4 times 20, और नेक्स्ट क्या होगा, 6 का 4 times 24, और नेक्स्ट होगा आपका 7 का 4 times 28, लेकिन ये आपका ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, 28 कहाँ है, डोमेन के अंदर, सॉरी रेंज के अंदर, रेंज क्या है आपकी ए सेट से, और ए सेट में तो खाली 25 तक एलिमेंट है, इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, ठीक है ना, तो यहीं तक हो जाएगा बस, ये आपका क्या बन गया है, रिलेशन बन गया है। अब देखिए चेक भी कर लेते हैं, इसने बोला था 1/4, तो इसका 1/4 ये है, इसका 1/4 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 है, ठीक है। तो 625 एलिमेंट में से हमने केवल वो एलिमेंट सिलेक्ट किए हैं जो हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, क्योंकि हमें लिखना था आर रिलेशन, और आर एक ऐसा रिलेशन था जिसका फर्स्ट जो सेकंड एलिमेंट है यानी कि रेंज वाला एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है उसका 1/4 क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए, तो वो ऑर्डर पेयर हमने इसमें से सिलेक्ट करके लिख दिए हैं। ये आपका आर रिलेशन हो गया, और डोमेन क्या हो जाएगी भाई, डोमेन यहाँ से हो जाएगी आपकी फर्स्ट एलिमेंट, तो इसका फर्स्ट कितना है 1, फिर कितना है 2, फिर कितना है 3, फिर कितना है 4, फिर कितना है 5, फिर कितना है 6, ये डोमेन हो गई। और रेंज क्या हो जाएगी भाई, रेंज हो जाएगी आपकी यहाँ पर 4, फिर क्या है 8, फिर क्या है 12, फिर कितना है 16, फिर 20 और फिर 24, ठीक है, ये रेंज हो जाएगी। और कोडोमेन लिखना चाहे तो भाई ऐसा करेंगे कि जो सेकंड है आपका सेट, सेकंड यहाँ पर क्या लिखा है ए, तो ए सेट कंप्लीट हो जाएगा 1, 2, 3, .. 25, ठीक है, ये कोडोमेन हो गई। तो समझ में आ गया होगा आपको, इसका इनवर्स निकालना हो तो, इनवर्स निकालना हो तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में केवल इतना ही पूछा गया था, ठीक है ना, इनवर्स निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 4, 1, 8, 2, 12, 3, 16, 4, 25 और 24, 6, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा इनवर्स। एरो डायग्राम बनाना है, एरो डायग्राम भी बना सकते हो आप, ये आपका क्या हो जाएगा ए सेट, और ये क्या हो जाएगा भाई बी सेट, सॉरी ए सेट है दोनों, ए टू ए था, तो ए सेट में से खाली ये सभी एलिमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
फिगर डॉट 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 25, क्योंकि इतने लंबे तो दिखा नहीं सकते ना, और इसमें रेंज के अंदर हो जाएगा आपका 1, ठीक है, फिर डॉट डॉट करके 4 दिखा देते हैं, क्योंकि कंटिन्यू लिखेंगे तो 25 एलिमेंट कैसे आएंगे, तो ये वो शो कर देते हैं इसके अंदर जो हमारे रिलेशन में है, तो हम 4 दिखा देते हैं, 4 दिखा दिया, उसके बाद 8, ठीक है, फिर डॉट डॉट, फिर 12, फिर डॉट डॉट, फिर कितना आ जाएगा 16, फिर डॉट डॉट 20, फिर डॉट डॉट 24, तो 1 का रिलेशन किसके साथ था, 4 के साथ, ठीक है, 1 4 से रिलेटेड था, 2 8 से रिलेटेड था, और 3 आपका किससे रिलेटेड था, 3 12 से रिलेटेड था, 4 16 से रिलेटेड था, ठीक है, और 5 20 से रिलेटेड था, और 6 24 से रिलेटेड था, ठीक है। लिखने को तो सभी भी लिख सकते हैं, लेकिन काफी लेंदी हो लंबा बन जाएगा ना, नीचे तक बन जाएगा, लिखने को लिख सकते हैं 25 एलिमेंट इसमें और 25 एलिमेंट इसमें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके साथ साथ बाकी बच्चों का भी भला होना चाहिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।